हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जिसको लेके अक्सर लोग डरते हैं, सोचते हैं कि हम मोटे हो जाएंगे, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, हमें चलने फिरने में दिक्कत आएगी, हम इतने सारे मोटे हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आप देसी घी खाने से मोटे होंगे तो आप मुझे एक बात बताएं, आप जो हर रोज समोसे, कचौरी, गोलगप्पे, छोले भटूरे, जंक फूड खाते हैं, वो किस ऑयल में बना होता है? वो तो इससे भी बहुत ज़्यादा गंदे ऑयल में बना होता है, आपको पता भी नहीं कैसा कैसा ऑयल उसके अंदर ऐड किया जाता है। उस ऑयल को खाने से आप मोटे नहीं होंगे और देसी घी खाने से आप मोटे हो जाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। यूट्यूब पे हमेशा दिखाया जाता है कि देसी घी खाना बिल्कुल खतरनाक है, आपके हार्ट में प्रॉब्लम आ सकती है, आपका शरीर मोटा बन सकता है। जी नहीं, अगर आप देसी घी को एक तरीके से और एक लिमिट के अंदर खाएंगे तो इसके अनगिनत फायदे हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। उन्हीं तरीकों में से आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ छोटे मोटे तरीके। अगर आप अपनी लाइफ में अपनाएंगे तो डेफिनेटली आपकी स्किन से लेके, आपकी हेल्थ से लेके, आपके हेयर से लेके आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि मैं खुद गांव से हूँ और आपको पता है गांव के लोग कितना घी खाते हैं और स्पेशल हरियाणा के लोग कितना घी खाते हैं ना। मैं हरियाणा से हूँ, मैं बचपन से लेके आज अभी तक, अभी मैंने सुबह का नाश्ता किया उसमें भी मैंने खुद देसी घी ऐड किया है। आपके सामने हूँ, आप देख सकते हैं कितनी मोटी हूँ या कितनी पतली हूँ या मेरी स्किन कैसी है, मेरे हेयर्स कैसे हैं, है ना। तो ये धारणा बिल्कुल गलत है कि देसी घी खाने से। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो, आपकी स्किन में इम्प्रूवमेंट हो, तो प्लीज देसी घी खाएं, लेकिन एक लिमिट में, एक तरीके से, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे, टॉपिक अच्छा लगा है आप लोगों को, तो प्लीज जितने हो सके उतने लाइक करें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक पहुंचे देसी घी खाने के क्या क्या फायदे हैं, लगाने के क्या क्या फायदे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हम सबसे पहले लेंगे यहाँ पे थोड़ा सा देसी घी और इसको अप्लाई करेंगे हमारी स्किन पे, क्योंकि देसी घी में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारी स्किन को हमेशा जवां और खूबसूरत बनाए रखता है, आपकी स्किन को बिल्कुल चमकदार बना देता है। इस तरह से आपको लगाना है, आप अपने अंडर आई सर्कल पर भी लगा सकते हैं, आपको अगर डार्क सर्कल हैं तो इसको लगाने से वो भी धीरे धीरे करके रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। देसी घी में विटामिन ए, डी, ई और भी बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि K2, जो आपके हार्मोन को बैलेंस में रखता है और आपकी स्किन को हेल्दी बनाता है, आपके पीएच लेवल को भी ये मेंटेन करने में आपकी बहुत हेल्प करता है। अगर आप हर रोज़ इस तरीके से, जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, इस तरीके से आप अपने फेस पे देसी घी के साथ मसाज करेंगे तो दूर दूर तक भी आपकी स्किन पे बुढ़ापा नहीं आएगा। फेस के साथ नेक पे करना मत भूलिएगा, नेक भी उतनी ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी आपका फेस। और जब भी मसाज करें अपर डायरेक्शन में ही मसाज करें। फोरहेड को भी ना भूलें, अगर आपको चिक्स आपके अच्छे चाहिए तो आप इस तरह से देसी घी के साथ मसाज कर सकते हैं, आपको 4 से 5 दिन में ही आपके चिक्स में फ़र्क दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हम अपने चिक्स के लिए क्या करें, तो आप इस वाले एक्सरसाइज को कर सकते हैं और देसी घी के साथ अगर करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जब आप अपने अंडर आई सर्कल पे मसाज कर रहे होते हैं तो रिंग फिंगर के साथ ही करें, इससे क्या होगा, दबाव ज़्यादा नहीं आएगा और मसाज भी बड़े अच्छे से हो जाएगी। सारी एक्सरसाइज आपको अपर डायरेक्शन में ही करनी है। तो इस तरह से आप अपनी स्किन पे लगा सकते हैं देसी घी। एक एंटी एजिंग क्रीम लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप रेगुलर बेसिस पे देसी घी आप अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं तो। ये देखिए, इस तरह से आप ऊपर की तरफ लेके जाएं अपने चिन एरिया को और अपने फोरहेड को, इस तरह से आपको करनी है मसाज। ये था हमारा फर्स्ट हैक। अब सेकंड हैक के लिए, अगर आप चाहते हैं आपके लिप्स मॉइस्चराइज बने रहें, आपके लिप्स हमेशा पिंक बने रहें, हम बहुत सारे टंटे करते हैं ना लिप्स को पिंक करने के लिए, पता नहीं कितनी सारी रेमेडी अपनाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उनका फ़ायदा इतनी देर तक नहीं मिलता। आप जब तक लगाएंगे तब तक ही आपको फ़ायदा मिलेगा।
अगर आप हर रोज़ रात को सोने से पहले देसी घी लगाएंगे, मसाज करेंगे, तो आपके लिप्स डेफिनेटली पिंक बनेंगे ही बनेंगे। तो आप लगाएं रेगुलर और रात को सो जाएं इस तरह से। हैक नंबर 3, अगर आप अपने हेयर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और चाहते हैं कि लंबे समय तक घने और काले बने रहें, उसके लिए आपको यूज करना है देसी घी। कैसे करना है? जैसे हम अपने हेयर वॉश करने से 2 घंटे पहले ऑयल की मसाज करते हैं ना, उसी तरह से आपको लेना है देसी घी और मसाज करनी है अपने हेयर्स पे। आप देखेंगे कि आपके हेयर्स जो प्री मैच्योर ग्रे हो चुके हैं वो भी धीरे धीरे करके ब्लैक होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपके हेयर्स में शाइन आएगी, आपके हेयर लंबे, घने और खूबसूरत बनेंगे। हैक नंबर 4, अगर आपको कहीं पे भी कट लग गया है और आपको घर में कुछ भी लगाने को नहीं मिलता है, तो आप घबराइएगा मत, देसी घी तो होगा ना आपके घर में। थोड़ा सा देसी घी लेना है और जहाँ पे भी आपको कट लगा है वहाँ पर लगा लेना है। ये एक एंटीसेप्टिक क्रीम का काम करेगा और आपको पेन बिल्कुल भी नहीं होगा। हैक नंबर 5, अगर आप हर रोज 1 चम्मच देसी घी खाएंगे सब्जी में, किसी भी चीज़ में लगा लो आप, तो आपका हार्ट हेल्दी रहेगा, आपकी नसें बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं होगी, आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो भी ठीक हो जाएगा। अगर आपको कमज़ोरी फील हो रही है तो वो भी ठीक हो जाएगी। तो आपको हमेशा आप देख लें कि 1 चम्मच घी आपको हर रोज़ खाना है। आप किसी भी तौर पे ले सकते हैं उसको, रोटी के साथ, आप पराठा बना के, सब्जी में, जिस तरह भी आपका मन करे उस तरह से आप 1 चम्मच देसी घी ले सकते हैं। इससे क्या होएगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपकी हड्डियां भी मजबूत होगी। अगर आपका छोटा बेबी है तो उसको भी आप हर रोज़ 1 चम्मच घी ज़रूर खिलाएं। हमारा 6ठा हैक है, आपको लेना है 1 गिलास दूध, उसमें ऐड करना है 1 चम्मच घी। अगर आपको कमज़ोरी फील होती है, आपको चक्कर आते हैं और बिल्कुल आपसे खड़ा नहीं रहा जाता, तो आप इस प्रोसेस को करें। कब करना है आपको? रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध में 1 चम्मच घी ऐड करें, उसको उबाल लें और जब वो थोड़ा सा गुनगुना रह जाए आप उसको पी लें और पी के सो जाएं। जब आप इसको रेगुलर 10 दिन 15 दिन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी कमज़ोरी भाग गई है। उसके बाद है, अगर आप सब्जी वगैरह में या दूध वगैरह में घी नहीं ले सकते, आपको स्मेल आती है, तो आप जब भी तड़का लगाते हैं अपनी किसी भी सब्जी के में, तो उससे पहले जो आप रिफाइंड लेते हैं ना उसको बंद कर दें, उसकी जगह आप देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखिएगा आपकी सब्जी बहुत टेस्टी बनेगी और आप भी बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। लास्ट वाला हैक, अगर आपका प्यारा सा छोटू सा बेबी है या फिर होने वाला है और आप चाहते हैं कि आपके बेबी के सेल्स की ग्रोथ हो, जल्दी से हो। बहुत बार क्या होता है कि हम सोचते हैं अरे ये तो 1 साल का हो गया अभी तक चलने नहीं लगा है, तो आपको क्या करना है अगर आप चाहते हैं आपके बेबी के सेल्स की ग्रोथ हो, आपके बेबी की ग्रोथ हो, आपके बेबी की स्किन ग्लोइंग बने, आप थोड़ा सा घी लें, उसको थोड़ा सा गर्म करें, गुनगुने घी के साथ आप अपने बेबी की मालिश करें, सही डायरेक्शन में ऊपर की तरफ आप मालिश करें, तो आप देखिएगा कि आपके बेबी की जो स्किन है बिल्कुल क्यूट तो होती है, बिल्कुल ग्लोइंग और बिल्कुल चमकदार बन जाएगी। उसको फिर आगे चल के, मतलब कि भविष्य में चल के, उसको किसी क्रीम, किसी मॉइस्चराइजर की, किसी एंटी एजिंग क्रीम की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपके बेबी हैं तो आप उन्हें शुरू से ही देसी घी खिलाना भी स्टार्ट करें, उनको लगाना भी स्टार्ट करें और उनको बताएं कि देसी घी के कितने फ़ायदे हैं। उनके दिमाग में ये मत डालिएगा कि देसी घी खाने से आप मोटे होंगे या फिर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। लिमिट में खाना चाहिए, तरीके से खाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। मेरा काम था आप लोगों को अच्छे से गाइड करना, देसी घी के बारे में बताना कितना फायदेमंद है। अब आपके ऊपर है, आप अपनाएंगे नहीं अपनाएंगे, आप अपने मन से डर निकालेंगे नहीं निकालेंगे, ये सब आपकी बातें हैं। लेकिन मेरा काम था, जो मैंने वो कर दिया, बाकी आपका काम है। जितना लाइक देना है दीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए। तब तक के लिए बोलता हूँ पानी पिए, खुश रहें, खुश रखें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।